आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और हम लोग एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चंस को देखेंगे ऑफ एक्सरसाइज 8.3। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, माय नेम इज विकास कुमार वर्मा एंड दिस इज योर चैनल पाई एडू लर्निंग। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है उसको मैं लिख देता हूं। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है पूरा हिस्सा, तो कुछ फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसको मैं लिख रहा हूं। पहले फर्स्ट इज आर साइन 90 माइनस थीटा, देन कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, देन कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा एंड देन टैन 90 माइनस थीटा। ये देख लो, साइन 90 माइनस थीटा को लिखोगे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को लिखोगे साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा को लिखोगे कॉट थीटा। अभी ये इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हम लोग। कॉसेक 90 माइनस थीटा, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गया ना, देखो यहां पर आप लिख दीजिए सेक और यहां लिख दीजिए टैन। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिख देंगे सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को लिख देंगे कॉसेक थीटा, कॉट ना होगा यहां पे, और कॉट 90 माइनस थीटा को लिख देंगे टैन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसी के बेसिस पे ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन नंबर वन में आ जाता हूं ऑफ एक्सरसाइज। हमें यहां पर इवेल्युएट करना है, एक क्वेश्चन को पकड़ के अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइन 18 बाई कॉस 72, और फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 बाई कॉस 72। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं डिटेल में करा दे रहा हूं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे ना उसको हम लोग ऊपर ऊपर से और थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को टाइम लेके मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपके पास आएगा कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड एंगल है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसके पहले वाले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पूरा ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर उस डिग्री के रेंज से हटके कोई डिग्री का रेंज आ रहा है, जैसे यहां 18 और 72 है, तो यहां पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो, और यहां पर 18 दिया हुआ है साइन 18, तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। साइन 18, अब मैं साइन को साइन लिखूं और 90 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 18 मिले, तो अगर मैं 90 में 72 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो मुझे 18 मिल रहा है, तो मैंने क्या किया 18 के बिहाफ में 90 माइनस 72 लिख दिया। यहां तक हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि ये मेरा एक फॉर्मूला में पुट हो जा रहा है जो कि होता है साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज यहां पर हमारा थीटा के बदले हमने क्या लिख दिया 72। अब हमें ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा वहां के अकॉर्डिंगली हमारा होता है कॉस थीटा, तो इसका इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे कॉस, और देखो थीटा के बदले 72 था तो थीटा के बदले यहां पर लिख देंगे 72। इट मींस आई कैन राइट साइन 18 इक्वल टू कॉस 72। ये पूरा मेथड से अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं अपने ऊपर के क्वेश्चन में, या तो और देखो हम लोग क्या करेंगे ना कॉस 72 को भी चेंज कर सकते हैं, तो कॉस 72 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मुझे 72 मिले, तो अगर मैं 90 में 18 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे 72 मिलता है। अब ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, ये आ जा रहा है कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म पे। अब कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले यहां पर हमारा दैट इज थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री यूज कर रखा है हमने, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। अब आप देख लीजिए यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा के बदले 18 जो कि होता है साइन थीटा, और थीटा के बदले लिख दो 18, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 72 इक्वल्स टू साइन 18। अब आप या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को चेंज करो, आप चाहो तो इसको साइड में लिख सकते हो, या तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, तो चलो मैं किसी एक को पकड़ के उठा के चेंज कर देता हूं। मैंने साइन 18 को चेंज मान लो करना है, अगर मैं लिखूंगा साइन के बदले साइन और 18 के बदले लिख देता हूं 90 माइनस 72 बाई कॉस 72 को मैं एज इट इज कॉस 72 रहने देता हूं।
अब देखिए साइन 90 माइनस 72 अभी हमने देखा है कितना होता है कॉस 72, तो ऊपर कितना आ गया कॉस 72 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा ऑलरेडी ये कॉस 72 था, ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देख लो, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तो पूरे एक्सरसाइज में, मेरे पास यहां पर सारे क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा साइन 18, या तो मैं साइन 18 को चेंज करूं या तो कॉस 72 को चेंज कर सकता हूं। अब या तो साइन 18 को चेंज कर रहा हूं तो 18 को 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करो, तो 18 आए 90 में 72 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो यहां पर जो पेयर बनेगा ना हमेशा सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा, तो 90 में 72 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा वहां से यूज करके, जो कि कॉस थीटा होता है और थीटा के बदले 72 लिखा हुआ है, तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा के बदले 72 तो कॉस 72, एंड द सेम हमारे पास यहां पर है कॉस 72 को क्या कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म पे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करके 72 मिले, तो 90 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने 19 में 18 सब्ट्रैक्ट किया, इस फॉर्मूला पे लगा लो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले हम लोगों रखा हुआ है 18, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा के बदले रख दिया 18। ठीक है, चलो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले में, इसमें हमें फाइंड करना है इवैल्यूएट करना है tan 26 बाय cot 64, tan 26 बाय cot 64। देख लो किसी एक को उठा के चेंज कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चेंज कर रहे हो। इसमें हमने ऊपर वाले को चेंज किया तो चलो बाय डिफॉल्ट हम लोग नीचे वाले को चेंज करेंगे, और ऊपर tan 26 को एज इट इज हम लोग कॉपी कर देते हैं और cot 64 को देखते हैं। cot 64 को 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 64 मिले, तो 90 में 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 64 मिलेगा। ऊपर हमने tan 26 को एज इट इज लिखना है tan 26, अब नीचे आ गया हमारा cot 90 माइनस थीटा, यहां आ जाते हैं देखते हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और थीटा के बदले 26, तो मैं क्या लिखूंगा इसको tan 26, ये दोनों कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है यार, क्यों नहीं आता है समझ में। आप एक चीज सोचो, अगर एक वेब सीरीज चल रहा होगा या तो अगर एक मूवी चल रहा होगा या अगर किसी आपके फेवरेट क्रश जो कि आप एक हीरोइन हो सकती है अगर उसकी मूवी आई हो, तो आई होप सो दैट आप लोगों को वो पूरा कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। या तो मान लो सबसे अच्छा है क्लास में बैठो, अपने फेवरेट मैम आपकी आई हुई और वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही है, कितने अच्छे से समझते हो वहां पर, कुछ गलत वहां पर सब समझ में आता है, लेकिन जब यहां पर बोर्ड में मैं कुछ लिख दू ना या कोई भी टीचर लिखता तो पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है, वो अपनी ही दुनिया में मौज मस्ती में खोया रहता है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं cos 48 और sin 42, cos 48 माइनस sin 42 कर लेते हैं। इसमें भी देख लो किसी एक को उठा के चेंज करो, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। ठीक है, मैं क्या करता हूं cos 48 को cos 48 ही रहने देता हूं और sin 42 को क्या लिख देता हूं sin 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें 42 आए, तो अगर 90 में 48 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 42 आता है। अब हम लोग cos 48 को एज इट इज cos 48 लिखते हैं, आगे sin 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले 48, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मैं लिखूंगा cos और थीटा के बदले 48, आप देख लीजिए cos 48 यहां cos 48 यहां, हमारा आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या करना है, यहां पर है हमारे पास cosec 31 by sec 59, cosec 31 माइनस sec 59, माइनस sec 59 किसी एक को चेंज कर लो। अब हमने यहां पर दूसरे वाले को चेंज किया, चलो मैं सिखाने के लिए बस पहले वाले को चेंज कर रहा हूं, हालांकि आप किसी को भी चेंज करो फर्क नहीं पड़ेगा। cosec 31 है, cosec 31 को 90 में आखिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 मिले, तो 90 में 59 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और sec 59 को एज इट इज कॉपी करके sec 59 लिख देते हैं। cosec 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा हमारा होता है sec थीटा, थीटा के बदले हमने 59 यूज किया हुआ है और ऊपर से ये sec 59 एज इट इज कॉपी हो गया, कट के हमारा आंसर आ गया 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यहां पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है या तो शो करना है, क्या शो करना है, क्या दिखाना है, दिखाना होगा यहां पे tan 48 tan 23, वन इज tan 48
tan 23, tan 42, tan 67. tan 42, tan 67, इसको हमें इक्वल्स टू 1 दिखाना है. तो जब भी हमें याद करो, याद रखेंगे आप जब शो करना होता है. हाय गर्मी, इतनी गर्मी क्यों है यार हमारे इधर, बहुत गर्मी आज हो रहा है पता नहीं क्यों. देखो जब भी शो करना रहेगा ना तो हम लोग एलएचएस और आरएचएस करके शो करेंगे. तो मैं क्या करता हूं, पहले एलएचएस को शो करना होगा हमें. तो क्या करो ना, पेयरिंग कर लो. यहां पर आप देखेंगे 48 और 42 है, इन दोनों को ऐड करो. 48 प्लस 42 कितना होता है 90. उसी तरह से 23 और 67 को ऐड करो कितना होता है 90. तो जो जो 90 का पेयर बना रहा है ना उसको आप ब्रैकेट में एक साथ लिख दो. तो tan 48 को tan 42 के साथ ब्रैकेट में लिख दो और tan 23 को tan 67 के साथ ब्रैकेट में लिख दो. अब देख लो इन दोनों में से किसी एक को उठा के चेंज कर देना है. तो लगा देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट. मान लो tan 48 को tan 48 ही रखा है हमने, इनटू tan क्या हो गया यहाँ पे 42. और tan 42 को मैं क्या करता हूं, tan 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 42 है, तो 90 में 48 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग. ये ब्रैकेट खत्म. अब इन दोनों में से किसी एक को उठा के चेंज कर दो. तो मैं चलो tan 23 को एज इट इज tan 23 लिख देता हूं और tan 67 को क्या लिखता हूं, tan 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 67 आए, तो 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, tan 48 ऊपर से एग्जैक्ट कॉपी हो जा रहा है इंटू tan 90 माइनस थीटा. वहां पर cot थीटा लिखा हुआ और थीटा के बदले 48 यूज किया है, तो हम लोग लिखते हैं cot 48. इसी तरह से यहां पर tan 23 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं tan 23. और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा के बदले हमने 23 यूज किया हुआ है. डिग्री में बोलता नहीं हूं जल्दी जल्दी में, आप लोग जब लिखेंगे तो डिग्री दिखा दीजिएगा. अब आपको एक बात पता होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और थीटा सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1. इसी तरह से tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, थीटा सेम है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1. 1 into 1 equals to 1. देखो हमारा आरएचएस है हमें यही प्रूव कर रहा है, दिस इज आर प्रूफ पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कर लेते हैं. यहां पर हमारा दिया हुआ cot 38 by cos 38 by cos 52. cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52 minus sin 38 sin 52 equals to 0. सेम काम जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होगा एलएचएस आरएचएस के टर्म पे देखेंगे. इसको लिखते हैं एलएचएस, किसी एक को चेंज करो दोनों वाले पेयर में. इसमें भी किसी एक को उठा के चेंज करो और इसमें भी किसी एक को उठा के चेंज करो और दूसरा वाला एज इट इज रख दो. तो चलो हम लोग cos 38 को cos 38 ही रहने देते हैं और cos 52 को हम लोग चेंज करते हैं. अब 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 52 आए, तो 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा. उसी तरह से sin 38 को sin 38 रहने देते हैं और sin 52 को क्या लिखेंगे, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 52 आए, तो 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 52 आए. अब cos 38 को एज इट इज उठा के लिख दो cos 38. cos 90 माइनस 38 मतलब ये फॉर्मूला जाएगा cos 90 माइनस थीटा जो कि होता है sin थीटा, और थीटा हमने यहां पर रखा हुआ है 38, तो हो गया cos 38 इंटू sin 38. सॉरी यहां पर माइनस का साइन है, माइनस के बदले माइनस लगा दिया. अब देखो sin 38 उतार दिया इसमें sin 38, और फिर साइन 90 माइनस 38 मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा के बदले हमने 38 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इंटू कॉस 38. अब आप एक चीज देखेंगे, साइन 38 कॉस 38, साइन 38 कॉस 38 सेम था, कट गया इक्वल टू 0. देखो क्या हमारा ये आरएचएस है. ओह हाय गर्मी, बहुत गर्मी है आज. चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और यहां पर हमें सिंपली कुछ फाइंड करना है. मैं चाहूंगा टक 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 इसको आप कॉपी कर लो और लिखना शुरू करो. 5 4 3 2 1 बेटा रहो. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें. इफ tan a tan 2a, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 हमें फाइंड करना है a.
फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यहां पर ए का वैल्यू फाइंड करना है। चलो क्या करो ना, क्या करो, किसी एक को उठा के आप चेंज कर सकते हो। किसको चेंज करोगे, यहां पे डिपेंड करता है। मतलब मुझे दोनों को एक तरह से सेम अगर ले आना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ऑलरेडी हमारे पास एक डाटा गिवन है दैट टैन 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। देखो ये क्या है, टैन थीटा है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, आइए मेरे साथ। यहां पर हम लोग जानते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू, यहां लिखो तो होता है कॉट 90 माइनस थीटा। टैन थीटा, थीटा के बदले हमारा कितना है 2a है, और टैन को ऊपर से उतार देना है इक्वल्स टू, मतलब यहां पर थीटा के बदले 2a लगा दो, तो इसको लिख सकते हैं cos cot 90 माइनस 2a। तो अगर मुझे tan 2a लिखना है तो मैं उसको cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं। तो मैं tan 2a को क्या लिखूंगा, इसको आप पहले देख लो, साइड में लिख लो वरना इरेज हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, tan 2a को cot 90 माइनस 2a, और ऊपर से cot a माइनस 18 एज इट इज उतर गया। अब देखो cot cot सेम आ गया, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू ए माइनस 18 माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108। माइनस माइनस कर गया, a इक्वल्स टू 3 3s आर 9 3 6s आर 18 आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो लाइन से आ रहे हैं ना, वो सबके सब लगभग सेम है। हमारे पास यहां पर tan a इक्वल्स टू cot b है। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, हमें प्रूफ करना है a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, आ जाते हैं सॉल्यूशन में। tan a और cot b अगर हमारा इक्वल है तो क्या करेंगे, हमें a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखाना है। दोनों को अगर हम लोग एक तरफ लेके चले तो कैसा रहेगा, देखो यहां पर a है और देखो यहां पर, तो यहां पे क्या करेंगे ना, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो देखो मैं क्या करता हूं ना, tan a को, ये क्या हो गया, tan a को मैं tan a ही रहने देता हूं, tan a को tan a ही रहने देता हूं, और cot b को, देखो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मुझे चाहिए यहां पर cot थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, अगर होता है तो हाँ बोल दो। तो मेरे पास cot b है, तो मैं cot b को क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस b। मैं थोड़ा सा रिफिल कर लू, आप बोलेंगे सर आप ये सब काम पहले क्यों नहीं करके रखते हो। सो क्लास के बीच में रिफिल करना कोई बुरी बात है क्या, है नहीं, घूर क्यों रहे ऐसे, चलो देखो गधो क्या होता है ना। देखो 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ना, तो कॉट बी इक्वल्स टू टैन 90 माइनस बी। चलो कॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब लिखेंगे कॉट बी को टैन 90 माइनस बी। ठीक है, अब क्या होगा ना कि टैन टैन इधर दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 90 माइनस बी, और b इधर ले आएंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यही करना था प्रूफ, ये भी होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ sec 4a, if sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। हमें फाइंड करना है a, फाइंड ए, आइए इसमें सेम काम करना होगा, किसी एक को चेंज कर दो। तो sec 4a को sec 4a रहने दो, अब मेरे पास cosec a माइनस नहीं, यहां पर आप sec 4a को चेंज करो ना, तो sec 4a है, मतलब sec थीटा।
तो हम लोग ये पता है हमें कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो अगर हमारे पास थीटा के बदले 4a है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा के बदले 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक a कर देंगे। तो सेक a 4a के बदले मैं क्या लिखूं, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, इसको मिटा दे रहा हूं, अब लिख लो इसको, लिखो और इसको एज इट इज उतार देने का, कॉसेक a माइनस 20 को कॉसेक a माइनस 20। अब देख लीजिए कॉसेक और कॉसेक दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110। देयरफॉर a कितना हो गया हमारा, 5 टू जा 22 डिग्री। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो और क्वेश्चन बच रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ही जगह पर लिख दे रहा हूं, अब मुझे नहीं लगता है कि इसका हमें जरूरत है, अगर जरूरत होगा तो भाग जाके इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दो क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आपको यह समझना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट, बुक आप देख बुक से क्वेश्चन देख लेना, हमें करना है शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एबीसी, अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए, एंगल मत लिखो सिर्फ ए लिख दो, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करना है, इसको कर दो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय टू, बिकॉज देखो मुझे यहां टू चाहिए वहां भी टू चाहिए, अगर सबको टू से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा ना a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equals to 180 by 2, मुझे b plus c by 2 एक साथ चाहिए तो मैं क्या करता हूं ना इन दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, अगर 2 एलसीएम ले लिया तो b plus c by 2 हो जा रहा है equals to 180 by 2, कितना हो जा रहा है 90, और a by 2 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस a by 2, तो b plus c by 2 equals to 90 minus a by 2, तो therefore अगर मैं चाहूं लिखना साइन बी प्लस सी बाई टू को, तो क्या लिख सकता हूं, साइन बी प्लस सी बाई टू को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ए बाई टू, यहां से है ना, अब साइन 90 माइनस थीटा, अरे सॉरी मिटा दिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो हम लोगों के पास यहां पर क्या है साइन 90 माइनस थीटा के बदले कितना है ए बाई टू, तो यहां पर क्या करेंगे थीटा के बदले लिख देंगे ए बाई टू, तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ए बाई टू को कॉस ए बाई टू, देखो इक्वल्स टू आरएचएस, हमें यही प्रूफ करना है ना। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बोला था कि हर एक एक्सरसाइज से मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, बट इस वाले एक्सरसाइज में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बिकॉज आप बना लोगे, ठीक है। तो लास्ट वाला भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, मुझे साइन 67 कॉस 75 को साइन 67 प्लस कॉस 75 इसको एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में, देखो साइन 67 है, अगर मैं लिखूं यहां पर साइन थीटा, अगर मैं लिखूं यहां पर साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, है ना, मेरे पास कितना है साइन 67 है, या तो अगर इतना भी नहीं करो तो सिंपली इसको जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन बनाते थे वैसे कर लेते हैं, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के फॉर्म पे, अगर 90 से कर दो तो 70 20 23 हो जाएगा 23, मतलब 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो 67 है, मतलब हमने 67 ही लिखा हुआ है, कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं 90 में कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो 90 में 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, थीटा के बदले 23, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा के बदले 15, सो दिस वन इज आवर आंसर। इस तरह से हमारा आज का ये बोरिंग लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जिस क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूं। जिस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा कमेंट में मैं देखूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछा जाना है या पूछा जा रहा है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, आप तक पहुंचाने के बाद, आपके दिमाग तक ले जाने के बाद, और जब आप सो रहे होंगे आराम से कि जब चैप्टर आपको लगेगा खत्म हो गया, तो मैं लेके आऊंगा जिनके जैसा एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें पूरे चैप्टर में मैं फिर से एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें पूरे चैप्टर में, ध्यान से सुनिए, आपको जितने भी क्वेश्चंस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से, उसको मैं सेपरेटली कोशिश करूंगा थोड़ा सा और आसान बनाने का और थोड़ा सा और इस फॉर्म में सॉल्व करने का कि आपको समझ में आ जाए। तो धन्यवाद।